सागर विहार कॉलोनी में भरा पानी कलेक्टर और निगम आयुक्त पहुंची निरीक्षण करने। सागर विहार कॉलोनी से पानी निकालने का किया जा रहा है प्रयास। काफी समय से अजमेर के लोग देखते हुए आ रहे हैं कि अजमेर का प्रशासन तभी जगता है जब कोई हादसा हो जाए। ऐसा ही एक नमूना कल भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने पहले ही 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दे दी थी, जिसके अंदर राजस्थान का एक जिला अजमेर भी शामिल था। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी कई ऐसी भविष्यवाणी की है जो एक दो बारी सच हुई है। शायद उसी चीज को सोचकर अजमेर का प्रशासन इतना जागरूक नहीं था और इतना तैयार नहीं था। कल जब अजमेर में बारिश शुरू हुई, उसके थोड़ी देर बाद ही कलेक्टर ने सुरक्षा टीमों को नोटिस दे दिया था कि वे हर समय तैयार रहे। और उसके दो घंटे बाद ही नागफणी में एक घटना घटी और एक मकान ढह गया, जिसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई। अजमेर में कल 2 से 3 घंटे बरसी बारिश के बाद अजमेर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। कई बस्तियों में, कई कॉलोनियों में इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों में रहना भी दुश्वार हो गया था। आना सागर पाल के पास बसी सागर विहार कॉलोनी में इतना पानी भर गया कि कॉलोनी में गाड़ियां तैरने लगी और लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि घर में फ्रिज, सोफा, रसोई का सामान सब तैरने लगा, जिससे साफ नजर आया कि प्रशासन की भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी कोई तैयारी नहीं थी। जब घरों में कॉलोनी में पानी भर गया, उसके बाद प्रशासन आज निरीक्षण करने पहुंचा और वहां पर 8 पंपों की मदद से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलोनी के लोगों को निगम आयुक्त चिन्मय गोपाल ने आश्वासन दिया है कि जब तक पानी पूरा खत्म नहीं होगा, वो वहीं पर ही मौजूद रहेंगी। कलेक्टर विष्णु शर्मा का कहना है कि कल की बारिश के बाद 90% पानी सब जगह से निकल चुका है और आनासागर के चैनल गेट भी खोल दिए गए हैं। कल अप्रत्याशित बारिश हुई थी पूरे अजमेर शहर में, जो 2 घंटे के अंदर करीब 11.5 सेंटीमीटर की बारिश हुई थी, उसके चलते पूरे शहर में जल जमा हुआ था, पर वो तो बिल्कुल 2 घंटे में क्लियर हो गया था। पर ये वैशाली नगर और सागर विहार का एरिया है, ये लो लाइंग एरिया है, बिल्कुल आनासागर से सटा हुआ है और यहाँ पे अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हमारे 8 पंप ADA और इरीगेशन और नगर निगम के चल रहे हैं और उसके साथ साथ हम एडिशनल पंप्स और इंस्टॉल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पानी निकल जाए। आना सागर के भी गेट्स खोल दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे के अंदर ये पानी निकल जाए। और भी बारिश की चेतावनी दी जा रही है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए हम पूरी तैयारी हम लोगों ने करके रखा हुआ है। NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीम्स हमारी हर जगह तैनात है और एडिशनल पंप्स हम एक्वायर कर रहे हैं, जहाँ पे भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जहाँ पे भी उपलब्ध है उनको लेकर के हम इंस्टॉल करके पहले से तैयारी करके रखेंगे, ताकि ऐसी स्थिति अगर कहीं पे भी जल जमा होता है तो तुरंत पानी निकाल सके। सड़कों पर भी काफ़ी पानी भर चुका है, कहीं मित्तला हॉस्पिटल के पास सड़कें भी दर्ज चुकी है। हाँ ये छोटी छोटी एक दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे जल जमा हुआ था, परंतु शहर के एरिया में 90% से भी ज़्यादा एरियाज़ में जो भी पानी जमा था वो निकल चुका है और जहाँ भी सड़कें खराब हुई हैं उनको हम जल्द रिपेयर कराएंगे। नियमित कॉलोनी है कि नहीं है और अब क्या समस्या है? नियमित कॉलोनी तो है, समस्या ये है, समस्या ये है कि 3 दिन से पानी भरा पड़ा है, 24 घंटे से पानी भरा पड़ा है। प्रशासन तो 2 घंटे से यहाँ पर है, एक इनका पंप स्टार्ट नहीं हुआ। घर के अंदर 3-3 फीट पानी है, सांप तैर रहे हैं, कंचले तैर रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। सामने थोड़ा लेवल ऊपर है तो घरण की वहाँ चरण वाल रखी है, रसोई पूरी डूबी हुई है, फ्रिज आधा डूबा हुआ है, सोफे पानी में तैर रहे हैं, खाने का सामान सारा बह गया है, कपड़े अलमारियाँ कपड़े, इतनी बदबू आ रही है धोने की तो बहुत दूर की बात, जब तक पानी नहीं निकले निकासी कहाँ होगी, बच्चे छोटे छोटे हैं कहाँ लेकर जाएँ उनको। और प्रशासन ये है कि भाई साहब पूछ रहा था बहुत दूर, ये तो अब आए भाई साहब, मैडम खुद देख के गई हैं, 24 घंटे देख के गई हैं, अभी मौके पर खुद खड़ी हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक मैं इसको चालू नहीं करवा दूंगी मैं नहीं जाऊंगी। ये पिछले 2 घंटे से देख रहे हैं भाई साहब, ये पंप लगा हुआ है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। मौसम विभाग भी शायद ये कह रहा है कि 24 घंटे का आपको अल्टीमेटम दिया था, नहीं चालू हुआ तो मैं बरसना चालू कर। अब आप बताइए हम क्या करें? आपका नाम? ललित शर्मा, टीम के छह विषय नगर बेरा। बावजूद भी आप परेशान हैं, जबकि कई लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। सबसे बड़ी मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि हाउसिंग बोर्ड ने 1970-75 में जब कॉलोनी बनाई, उस वक्त के अधिकारियों ने इनको ये पता नहीं था कि आनासागर पॉल के पास में ये कॉलोनी बसा रहे हैं और क्या लेवल होना चाहिए सड़क का, क्या लेवल होना चाहिए मकान की सीट का। उन्होंने मकान बनाकर दे दिया, हम लोगों ने लिए, गलती हमारी थी, हमारे फादर वगैरह ने मकान ले लिया, हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद ADA ने भी प्लॉट काट करके दे दिए, ये बस्ती कच्ची बस्ती भी नियमन के तौर अधिकतर उसके कगार पर है, तो क्या इन प्रशासन को ये नहीं दिखा था पहले कि भाई यहाँ कॉलोनी नियमित की जा रही है या ADA जो प्लॉट काटे जा रहे हैं तो यहाँ पानी भरेगा। अब हमारे से ये कहा जाता है कि आप लोग इस तालाब के अंदर रह रहे हैं, डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, डूब क्षेत्र में रहने की समस्या हमारी है, लेकिन बसाया प्रशासन ने है, जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए। कल सुबह बारिश बंद हुई थी, तब से लेकर के आज तक 1 इंच पानी अभी कम नहीं हुआ है। पंप के लिए हम लोग शाम को करीबन 4:30-5 बजे हम लोग पंप हाउस पर इकट्ठे हुए सब जने, तो वहाँ के अधिकारियों से हमने जब बात करी तो एक अधिकारी का मैं जवाब था कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पंप कहाँ लगाया जाए और कैसे पानी निकलेगा,
तो प्रशासन के अधिकारी को अगर ये उनको जानकारी नहीं है कि पंप कहाँ लगाया जाए, पानी कैसे निकलेगा, तो जो प्रशासन का जो पैसा जो गया व्यर्थ, उसकी जिम्मेदारी उनके वो नीचे है, उनके जेब से इस पैसे को वसूल करना चाहिए। हम तो समस्या के अंदर घिरे हुए हैं, मान लिया हमारे घर के अंदर बच्चे खाना नहीं खा पा रहे, बच्चों के स्कूल के अंदर एग्जाम चल रहे, गोदी में पीने के लिए पानी नहीं है, है ना, वो तो हम झेल रहे हैं। आज प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ बैठे हैं उन्हें अगर इस बात का जानकारी नहीं है तो वो किस बात के लिए वहाँ बैठे हैं, किस बात के लिए समय बर्बाद करें, किस बात के लिए प्रशासन का हमारी जेब का पैसा जो बर्बाद हो रहा है वो क्यों कराया जा रहा है। इस बात के लिए हम लोगों ने हमेशा हर साल पानी भरता है, उसके लिए प्रशासन को आगाह किया और इसकी परमानेंट समस्या के समाधान के लिए उनको कहा हमने कि उस जगह पंप के अंदर कम से कम 6 पंप इस्टेब्लिश किए जाएँ और वहाँ पर पंप हाउस पर बिजली का कनेक्शन लगाया जाए। आज भी आप जाके देखें तो पंप हाउस पर एक बिजली का कनेक्शन है जिससे एक ही मोटर चल पाती है, लगातार दो मोटर नहीं चल पाती हैं। तो उसका और आउटलेट आप देखेंगे उस आउटलेट की जो कंडीशन है उससे ये पानी 10 दिन में नहीं निकलने वाला है यहाँ पे। इस बात के लिए हमने मेयर साहब भी सुबह आके गए, मेयर साहब को दिखाया, कमिश्नर मैडम भी खुद ही हैं, इनको दिखाया हमने, तो कल हमें किसी बात का आश्वासन नहीं मिला। आज सुबह जब हम लोग जब इकट्ठे हुए, इतना हम लोगों ने मीडिया को या सबको इकट्ठा करके जब बात करी, तब जाके प्रशासन आज यहाँ मौजूद है। प्रशासन आश्वासन दे रहा है, मान रहे प्रशासन आश्वासन दे रहा है, लेकिन 2-2.5 घंटे होने के बावजूद मोटर नहीं चल पा रही, पंप हाउस ये कहते हैं हमारे पंप मोटर ख़राब पड़ी है। तो क्या इन पंप हाउस वालों को इनको ये पता नहीं था कि मोटर ख़राब थी? बाढ़ आ जाएगी, आदमी डूबेगा, तब आप इस रेस्क्यू के लिए जाएंगे? इस बात को मैं आपके माध्यम से ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि प्रशासन क्यों नहीं चाहता इस बात के। कोई नई बात तो है नहीं, सरकार इरीगेशन डिपार्टमेंट मौसम विभाग आपको अलर्ट कर रहा है, मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है तो आप लोग कहाँ हैं उस बात के लिए? मतलब मौसम विभाग बेकार है, सबसे बड़ी चीज़ ये मौसम विभाग की जानकारी जो आप लोगों के लिए बेकार है, हम लोग जो कह रहे हैं हमारी जानकारी बेकार है, तो प्रशासनिक अधिकारी जो कर रहे हैं वो ठीक बात है हमारे लिए, कॉपरेट जो कर रहे हैं हम मान रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद है प्रशासन के लिए, लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ इस गली नंबर 1, 2, 3 को मिलना चाहिए वो पिछले 10 सालों के अंदर नहीं मिल पाया हमारे को। मेरा नाम शैलेंद्र सक्सेना है और आप घरों के अंदर कंडीशन जाके